बिहार बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी खबर, बिहार बोर्ड के सभी छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आया है, क्योंकि आज रिजल्ट जारी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है बिहार बोर्ड के। जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, आज इस वीडियो में आप लोगों को सारी जानकारी दूंगा, रिजल्ट को कैसे चेक करना है, रिजल्ट कितने बजे जारी होगा और रिजल्ट कौन सी वेबसाइट पर जारी होगा जिसके माध्यम से आसानी से आप लोग चेक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों क्या होता है, जब रिजल्ट जारी होता है तो स्टूडेंट्स जो है लगातार साइट पर जो है अपना रिजल्ट चेक करते हैं, लेकिन साइट जो है खुलता नहीं है, सर्वर बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, साइट क्रैश कर दिया जाता है, जिसको लेकर स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा परेशानी होता है। पर दोस्तों ये सब परेशानी ना हो, आज की इस वीडियो में मैं ऐसी एक दो ऑफिशियल वेबसाइट बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आप एक क्लिक में रिजल्ट को चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, एंड तक वीडियो को देखिएगा। चैनल पर न्यू यूजर है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा कि आने वाली सभी नोटिफिकेशन इसी तरह अपडेट भी अपडेट मिलता रहे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं सभी स्टूडेंट्स को कि बिहार बोर्ड 10th रिजल्ट 2022 डिक्लेयर। हेलो दोस्तों, बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा का परिणाम बहुत जल्द घोषित होने वाला है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट जारी करेगा। ठीक है, छात्र छात्राएं अपना रोल नंबर और रोल कोड की मदद से अपना रिजल्ट को देख सकते हैं, लेकिन रोल कोड रोल नंबर तैयार रखें। अगर रोल कोड रोल नंबर इधर उधर हो गया है तो फटाफट ढूंढ लीजिए, क्योंकि रोल कोड रोल नंबर आपके पास तुरंत अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग देखिए दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया हो तो शेयर कर देना कि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। 17 फरवरी से 24 फरवरी तक जो है मैट्रिक का 10वीं का पेपर जो है समाप्त हुआ था। ठीक है, अब यहां पर सुनिए सभी स्टूडेंट्स, इस वर्ष जो है मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत आप लोगों का जो है इस वर्ष आप लोगों का जो है बहुत ही बम्पर रिजल्ट बनने वाला है, क्योंकि इस वर्ष सभी स्टूडेंट्स जो है फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन से पास होने वाले हैं, यानी थर्ड डिवीजन यानी फेलियर स्टूडेंट्स बहुत कम मात्रा में है। ठीक है, यहां पर बात करेंगे, देखिए आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोगों को मालूम होगा कि 24 मार्च को गणित का पेपर लिया गया था। ठीक है, 10वीं का, क्योंकि जो गणित का पेपर 17 फरवरी को हुआ था वो पेपर जो है रद्द कर दिया गया था मोतिहारी जिले का। ठीक है, उस पेपर को 24 मार्च को लिया गया। अब देखिए 24 मार्च को जो पेपर लिया गया था उसका भी कार्य जो है कंप्लीट हो चुका है, यानी सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब सिर्फ आदेश बाकी है, यानी जब आदेश मिलेगा तुरंत रिजल्ट को वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। अब यहां पर सुन लीजिए सभी स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि टॉपर सत्यापन की प्रक्रिया 27 से 28 मार्च को पूरा कर लिया जाएगा, यानी आज जो है पूरा कर लिया जाएगा 27 तारीख को। ठीक है, और रिजल्ट जो है यहां पर देखिए 2017 से लेकर, ठीक है, 2021 तक का रिकॉर्ड देखिए, 2017 से लेकर 2021 तक का रिकॉर्ड आपको मैं दिखा रहा हूं, क्योंकि रिकॉर्ड आप पिछले साल का भी देख लीजिए कि पिछले साल कितने परसेंटेज स्टूडेंट्स जो है पास हुए थे। ठीक है, देखिए 2021 में 78.17% जो है स्टूडेंट्स पास हुए थे। ठीक है, अब इस बार से आप लोगों को बताना चाहूंगा सभी स्टूडेंट्स को, जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, रिजल्ट को चेक कैसे करना है ये जान लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिख रहा है, बिहार बोर्ड ऑनलाइन डॉट बिहार डॉट, देखिए यहाँ पर आप लोगों को जैसे बिहार बोर्ड ऑनलाइन डॉट बिहार डॉट जी ओ वी डॉट इन पर जाओगे, ठीक है, इसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वेबसाइट पर जाने के बाद होम पेज पर आपको रिजल्ट का लिंक मिलेगा। ठीक है, आपको लिंक पर क्लिक करके रोल कोड रोल नंबर डाल देना है और आपका रिजल्ट जो है शो होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही आसान तरीका है, इसी वेबसाइट पर रिजल्ट आपको सबसे पहले चेक करना है। एक और वेबसाइट है, उसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, आप लोग चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर सुन लीजिए, रिजल्ट आज कभी किसी भी समय जारी किया जा सकता है। ठीक है, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा सभी स्टूडेंट्स को कि बिहार बोर्ड 10th रिजल्ट 2022 डिक्लेयर, बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट जो है 86.17% छात्र जो है सफल हुए हैं। ठीक है, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 86.17% जो है छात्र मतलब कि सफल हुए हैं इस वर्ष। तो यार ये बड़ी बात है, क्योंकि 13% जो है सिर्फ स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। ठीक है, अब 13% स्टूडेंट्स जो फेल होंगे, अब वो तो किसी के भी नसीब में जा सकता है, कोई भी स्टूडेंट्स फेल हो सकता है, क्योंकि लाखों स्टूडेंट्स जो है मैट्रिक का परीक्षा दिए हैं और लाखों स्टूडेंट्स रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो 13% स्टूडेंट्स यानी मतलब कि 1 या 1.25 लाख स्टूडेंट्स ही फेल होंगे, बाकी स्टूडेंट्स जो है पास होंगे। ठीक है, तो आप लोग को आई होप कि मालूम चल गया हो। ठीक है, और देखिए वीडियो को अपने अपने दोस्तों को शेयर नहीं किए तो शेयर जरूर करिएगा कि आने वाली सभी नोटिफिकेशन इसी तरह अपडेट भी अपडेट आपको मिलता रहे सबसे पहले। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि वीडियो पसंद आया हो, नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे न्यू नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय।